आज तारीख हो चुकी है 23 सितंबर। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहले बड़ी खबर निकल कर आती है, होती है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। दरअसल आईपीएल 2024 के ऑक्शन से पहले लखनऊ के लिए यहाँ पर बुरी खबर है। दरअसल लखनऊ की टीम के यहाँ पर हाल ही में अनाउंस हुए ग्लोबल मेंटर और गौतम गंभीर इस टीम को छोड़ने की प्लानिंग में, जहाँ पर गंभीर इस टीम को यहाँ पर आईपीएल समाप्ति के बाद ये बता चुके थे गंभीर इस टीम को छोड़ रहे। लेकिन इसके बावजूद गंभीर से बात करके यहाँ पर इस टीम के ओनर्स ने गंभीर को ग्लोबल मेंटर बना दिया था। लेकिन अभी भी गंभीर यहाँ पर लखनऊ से कुछ नहीं है, लखनऊ के इस फैसले से कुछ नहीं है। इसके साथ ही गंभीर यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन में भी समय देना चाहते हैं, तो इस वजह से ये लखनऊ को छोड़ने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से मन बना चुके। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लखनऊ को ये लेटर भी भेज चुके, तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर लखनऊ के साथ अब आईपीएल 2024 के एडिशन में शायद गंभीर हमें नजर ना आए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग ये गंभीर का सही फैसला है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। दरअसल कोलकाता टीम के लिए बड़ी कुछ खबर है, गौतम गंभीर की कोलकाता में यहां पर वापसी होने वाली है, जहां पर रिसेंटली शाहरुख खान के साथ गंभीर ने मुलाकात करी थी। गंभीर ने शायद शाहरुख खान के साथ यहां पर बातचीत करके कंफर्मेशन उनको दे दियो। इवन यहां पर नीतीश राणा ने भी यहां पर ट्वीट किया था कि यहां पर गंभीर की यहां पर वापसी हो रही। इस प्रकार से नीतीश राणा का भी यहां पर ट्वीट था, जो कि पिछले आईपीएल एडिशन में कोलकाता के कप्तान थे। तो या तो डायरेक्टर के रूप में या फिर मेंटोर के रूप में अब गंभीर की कोलकाता में वापसी हो रही है। ऑलमोस्ट इस बात के 99% चांसेस है। तो गंभीर अब यहाँ पर आईपीएल 2024 के एडिशन में अपनी यहाँ पर अपनी फेवरेट टीम या फिर जिस टीम के लिए उन्होंने सबसे अधिक आईपीएल खेला उस टीम के यहाँ पर मेंटोर के तौर पर हमें नजर आएंगे। वैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। अब यहाँ पर 1 से 2 दिनों में जब भी गंभीर की कोलकाता में यहाँ पर वापसी की अनाउंसमेंट होगी, आपको वहाँ पर सबसे पहले पता चल जाएगा। तो आप फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर अभी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो और आप कमेंट करके बताइए आप गंभीर की कोलकाता वापसी से आखिर खुश हो या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है भारत और ऑस्ट्रेलिया के पहले वनडे मुकाबले को लेकर। दरअसल कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहले वनडे मुकाबले में यहाँ पर मोहम्मद शमी, इसके साथ ही शुभमन गिल, गायकवाड, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल की अच्छे परफॉर्मेंस की बदौलत काफी आसानी से भारतीय टीम ने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को हराकर 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इसके साथ ही यहाँ पर अब भारतीय टीम ये मुकाबला जीतकर वनडे, टेस्ट और यहाँ पर T20I में तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रैंकिंग पर आ चुके। तो वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया यहाँ पर तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रैंकिंग पर है। तो नंबर 1 रैंकिंग पर भारतीय टीम करंटली यहाँ पर है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज और वर्ल्ड कप लगातार ये दो और सीरीज या फिर दो टूर्नामेंट्स आखिर जीत पाएगी या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है यहाँ पर ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर। दरअसल 5 अक्टूबर से ओडीआई वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी और ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए अब विनर रनर अप, इसके साथ यहाँ पर सेमीफाइनलिस्ट टीमों की अब प्राइज मनी रिवील हो चुकी है। कौन सी टीम को कितने रुपए मिलेंगे, तो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को 33.18 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फाइनल में हारने वाली टीम को 16.59 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे, जबकि सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को यहाँ पर 6.63 करोड़ दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो यहाँ पर लीग स्टेज में टीमें रहेगी उनको 1-1 करोड़ ICC की तरफ से दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को ऑलमोस्ट यहाँ पर 34 करोड़ मिलेंगे। काफी बड़ा अमाउंट, काफी अधिक यहाँ पर प्राइज मनी ICC की तरफ से यहाँ पर दी जाएगी। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम को 33 करोड़ मिलेंगे, कौन सी टीम को 16 करोड़ मिलेंगे और कौन सी दो सेमीफाइनल की टीमों को आखिर 6-6 करोड़ मिलेंगे। आप अपने प्रेडिक्शन कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर। दरअसल फाइनल लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तान ने अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी, जहां पर पाकिस्तान के लिए कप्तान बाबर आजम, वाइस कैप्टन यहाँ पर शादाब, इसके साथ ही यहाँ पर शफीक, इसके साथ ही फकर जमान, इसके साथ ही हसन अली, इसके साथ ही इफ्तिखार अहमद, इसके साथ ही इमाम, इसके साथ ही यहाँ पर नवाज, इसके साथ ही रिजवान, सलमान अली, इसके साथ ही शाहीन अफरीदी, इसके साथ ही यहाँ पर उस्मान मीर, इसके साथ ही यहाँ पर साउथ शकील, हैरिस रॉफ और वसीम जूनियर, ये यहाँ पर पाकिस्तान के यहाँ पर वर्ल्ड कप स्क्वाड में सेलेक्ट किए गए। तो पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप स्क्वाड में कुछ मेजर यहाँ पर चेंजेस किए, जहाँ पर कुछ खिलाड़ी तो अपनी इंजरी के चलते वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके और कुछ नए खिलाड़ियों को अब वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह मिली। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या पाकिस्तान का ये
वर्ल्ड कप स्क्वाड पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक ले जा सकता है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर छठी बड़ी खबर की, तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है नेदरलैंड की वर्ल्ड कप जर्सी को लेकर। दरअसल सभी टीमें अपनी वर्ल्ड कप की जर्सीज लॉन्च कर रही है, रिवील कर रही है। इसी सिलसिले में अब नेदरलैंड ने भी अपनी वर्ल्ड कप की जर्सी यहाँ पर रिवील कर दी। आप अपनी स्क्रीन पर नेदरलैंड की भी वर्ल्ड कप जर्सी देख पाएंगे, जहाँ पर इस प्रकार की नेदरलैंड की इस वर्ल्ड कप में जर्सी रहेगी। इस जर्सी में ये टीम हमें मुकाबले खेलती हुई दिखेगी, टोटली ऑरेंज कलर की इन्होंने जर्सी लॉन्च करी। आप कमेंट करके बताइए आपको नेदरलैंड की कैसी जर्सी लगी है, 10 में से आप कितने नंबर इस जर्सी को दोगे। अब बात करते हैं यहाँ पर सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती होती हरभजन की वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन को लेकर। दरअसल हरभजन ने वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल्स टीमों के लिए अपनी प्रेडिक्शन करी। हरभजन के अकॉर्डिंग जो चार टीमें सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई होगी वो यहाँ पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम रहेगी। और इनके अकॉर्डिंग भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल होगा और भारतीय टीम फाइनल जीतेगी। इस प्रकार से हरभजन की वर्ल्ड कप को लेकर प्रेडिक्शन। आप कमेंट करके बताइए आप इनकी प्रेडिक्शन से आखिर एग्री करते हो या फिर नहीं। आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीमों के बीच फाइनल होगा, कौन सी टीम आखिर फाइनल जीतेगी, आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है चेन्नई की तरफ। दरअसल कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये खबर निकल कर आ रही है कि आईपीएल 2024 के एडिशन के लिए चेन्नई गायकवाड़ को कप्तान बनाएगी। अगर एशियन गेम्स में गायकवाड़ का अच्छा प्रदर्शन होता और भारत को गोल्ड मेडल ये दिला देते तो यहाँ पर इनको यहाँ पर चेन्नई का कप्तान बनाया जाएगा। एमएस धोनी इस साल यहाँ पर केवल प्लेयर के तौर पर चेन्नई में खेलेंगे और गायकवाड़ को ग्रूम करेंगे, तो गायकवाड़ हो सकता है इस साल यहाँ पर चेन्नई की हमें कप्तानी करते हुए दिखा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग गायकवाड़ को आखिर कप्तानी देना चेन्नई का सही फैसला रहेगा या फिर नहीं। क्या जाडेजा को दोबारा कप्तानी दी जा सकती है या फिर नहीं, आप अपनी राय कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।